डब्ल्यू अपॉन टी, फिर यहां से आया वी आई टी अपॉन टी, पी से टी कट गया, वेरीफाई हुआ वी आई, ठीक है। तो यहां से यूनिट क्या हो जाएगी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। इसमें अब इसके लिए क्या होगा, जैसे मैंने कहा किलो वॉट, किलो वॉट में क्या आ जाएगा, थाउजेंड वॉट, ठीक है। एक होता है एच पी, जिसको अपन कहते हैं हॉर्स पावर, उसमें होता है 746 वॉट, ये छोटे छोटे यूनिट है। किलो वॉट यानी 1000 वॉट, एच पी यानी 746 वॉट। और एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका किलो वॉट है यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसमें पढ़ेंगे। मैंने कहा कि वन यूनिट, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, पावर तो खत्म हो गया। जैसे अपन बेसिक जो अपने इलेक्ट्रिक बिल आता है उसमें हम कहते हैं कि एक यूनिट है, दो यूनिट है, तीन यूनिट है, उसका कितना है। तो जैसा डिस्कॉम होगा उसकी यूनिट की रेट होती है कि किसी के 7 रुपए है, किसी के 5 रुपए है। तो टोटल यूनिट से अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल जो बिल है या अपने जो राशि है वो पूरा अमाउंट है बिल का वो हमें पता हो जाता है। तो वन यूनिट जो अपन कहते हैं वो होता है के डब्ल्यू एच, यानी जब आप मीटर को, जैसे ये मीटर है आपके घर में और ये बटन है, इसको आप जैसे दबाते हो तो यहाँ पर के डब्ल्यू एच की एक सिंबल चलता है, तो उसमें अपन कह सकते हैं वो यूनिट है, ठीक है। तो खैर यहाँ के डब्ल्यू एच, तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि आप इसको जूल में कन्वर्ट करो, कितने जूल है। तो के डब्ल्यू एच से हम कहते हैं किलो वॉट आवर, तो इसमें क्या कह सकते हैं किलो वॉट, किलो वॉट का मतलब 1000, और एक ओवर में कितने सेकेंड, तो वो 60 मिनट को 60 से या 60 मिनट, ये आ गए 1000 60 मिनट मल्टीप्लाई विथ 60 सेकेंड, तो टोटल कितना हो जाएगा 3600। तो कंफर्म है 36 मल्टीप्लाई विथ 10 टू दी पावर 6 या 5, तो कितना आ गया 5 जूल, ये भी सही है। और इसको 3.6, तो एक पावर बढ़ जाएगा 10 टू द पावर 6 जूल, ये आ गया फाइनल रिजल्ट। तो ठीक है, अपन ने यहां देखा था वन यूनिट के डब्ल्यू एच, के डब्ल्यू एन किलोवाट की मीन्स क्या हो गया 1000 वाट, और हाउर यानी 60 मिनट, 60 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 3600 आ गया, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। अब इसका फॉर्मूला बता देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, कि जो अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक बिल होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा पावर मल्टीप्लाई विथ जो टाइम है, और टाइम यहां पर होगा और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज अपॉन, एक यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट, जैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो किसका 100 पे होता है, तो यहां यूनिट किस में आता, के डब्ल्यू एच में किलोवाट, तो किसका डिवाइड करेंगे 1000 का, ठीक है। यहां कंज्यूम जो एनर्जी है या इलेक्ट्रिक पावर बाई एनर्जी वो हमें पता लग जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 100 वोल्ट का बल्ब है, उसकी रेटिंग क्या है पी की 100 वोल्ट, वो पर डे 2 आवर्स चलता है, 2 घंटे प्रत्येक दिन चलता है, और आपको बोला है 1 मंथ में कितना यूनिट आएगा, इलेक्ट्रिक पावर फाइंड करनी है कि 1 महीने में कितनी थी। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, पावर कितना दे रखा है,
सो वॉट मल्टीप्लाई विथ, ये जो है ये सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करना है अब, ठीक है ना, क्योंकि पावर को हम मिनिमाइज सेकेंडों में नहीं दे सकते हैं, इसलिए उसको एक एक और के अकॉर्डिंग बताया गया के डब्ल्यू एस में। तो ये टू है तो टू और नंबर ऑफ डेज, यानी यहां अगर जनवरी होता तो 31 हो जाता, फेब्रुवरी होता तो 28 और 29 लीप ईयर के अकॉर्डिंग लिखते हैं, और मार्च होता तो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन में आ जाता है कि ओनली वन मंथ, तो उसमें हमें 30 डेज काउंट करना है, तो हमें भी कहा 10 से 10, 2 से 2, 6 यूनिट, कितने यूनिट आ गए, 6 यूनिट। अब होता क्या है, आगे यहां तक तो यूनिट में आ गया, अब अगर कोई कह दे कि एक यूनिट का जो रेट है वो 10 रुपए है, तो आपके यूनिट कितना है, 6, तो 6 के कितने होंगे, 6 यूनिट के कितने आ गए, 60 रुपए, ठीक है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, सीधा पावर मल्टीप्लाई विद टाइम एंड नंबर ऑफ डेज अपॉन 1000, तो इसी फॉर्मूले से अपन के यूनिट में आ जाएगा। फिर पेपर में क्वेश्चन में दिया होगा कि एक यूनिट की रेट इतनी है, तो बताओ आपके जितने यूनिट फाइंड हुए उसको उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वो आ जाएगा। ये नोट करो, कर लिया होगा नोट, स्क्रीनशॉट ले लें। अब जैसे इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे एक सिंपल तरीके से, मैंने कहा एक बल्ब की रेटिंग है 50 वॉट, ठीक है, और ये पर डे 5 आवर्स चलता है, तो आपको बताना है मार्च मंथ में, मार्च के अंदर इसका कितना जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कंज्यूम हुई वो बताना है, और मार्च में कितने डेज होंगे, 31 डेज, ठीक है। फिर अपन को फाइंड करना है कि यहां पर नंबर ऑफ डेज ये सारा मिल गया। अब मैंने कहा कि वन यूनिट की रेट मैंने लगा ली वापस से 10 रुपए, तो आपको बताना है टोटल इलेक्ट्रिक बिल कितना आया। तो सीधा सा है, पावर मल्टीप्लाई विद टाइम और नंबर ऑफ डेज अपॉन 1000, तो कितना, 50 मल्टीप्लाई विद 5 और 31 अपॉन क्या किया, ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर 5 से 100 गए 20 टाइम, और 5 से 20 हो जाएगा 4, ठीक है। 4 से अगर 31 में करेंगे तो कितना हो गया, कितना आ जाएगा, 7 आएगा, 7 आ गया, 28, 29, 30, 31, 30, तो 0.30 आ जाएगा, तो 30 यानी अब हम कह सकते हैं कि वापस से 7 ही आएगा, फिर 5 आ जाएगा ना, यही आएगा 31 में करेंगे तो, डिवाइड तो आता ही आपको। तो इसी तरीके से तो ये करेक्ट है। अब 7.75 है, अब इसको ये यूनिट में, ठीक है ना, अब देखो एक यूनिट की रेट कितनी है, 10 रुपए, तो 7.75 की कितनी हो जाएगी, तो 77.5। ये इलेक्ट्रिक बिल आप मार्च का पे कर दोगे, ठीक है, आपके फोन पे में भी आ जाएगा, तो ये आप समझ रहे हो ना कि पावर टाइम यहां समय है वो हॉर्स में ही होगा, नंबर ऑफ डेज
बुक में थोड़ा अलग फॉर्मूला है, उस पर अपन को नहीं जाना है, हमें बस नंबर ऑफ डेज ही लिखना है। हाँ, अगर मंथ का नाम आता है तो उसके अकॉर्डिंग, और केवल मंथ आ गया कि कोई नाम नहीं है तो 30 डेज, और हो सकता है आपको 15 दिन का भी पूछ ले तो वो नंबर ऑफ डेज देंगे वहाँ। ठीक है, तो डाउट बिल्कुल मत रखना। ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया, अब अपन मैग्नेट की बात करेंगे थोड़ी। ये यहां तक तो टॉपिक हो गया अपना इलेक्ट्रिक करंट का पूरा। अब एक एक न्यूमेरिकल है वो शुरुआत का है, वो मैं करवा देता हूं। जैसे हमने कहा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, क्यू अपॉन टी हो गया। तो मैंने कहा कि अगर 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, तो उसके अंदर जो अपने हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो उसमें आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू, मैंने कहा कि जो चार्ज है जिसको अपन क्यू कहते हैं, अब इसकी वैल्यू है 1, 2, 3, 4 ऐसे 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 एन तक, तो नंबर ऑफ एन है। अब ये रियल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, एन ई। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल एन ई आ गया, तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू अपॉन ई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है वो हमें बताया, यहां पर वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ये जब 19 है ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तब, जैसे मैंने कहा 10⁻¹⁹ ये ऊपर जाएगा तो कितना, 10⁻, या हम कह सकते हैं 1 अपॉन, अगर मैंने 16 कर दिया, 1 अपॉन इधर से पॉइंट हटा दिया तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 अपॉन 10⁻¹⁹। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, जब इसको और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि अगर मैंने कहा, यहां से आपको दिखाई दे रहा है तो मैं बता सकता हूं कि अपने पास ये वाली, यहां से कैलकुलेशन यहां कर रहा हूं कि 10 अपॉन 16, ये 10⁻¹⁹ ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएंगे, प्लस में। अब अगर 10 और 16 में 10 छोटा है तो अपन 100 करने के लिए क्या करेंगे, 1 पावर इधर जोड़ेंगे, तो ये 100, ये 16, ये 10⁻¹⁸ हो गए। अब 16 को अगर 100 में अपन डिवाइड करते हैं तो आता है 6.25, कितना आता है 6.25 मल्टीप्लाई विथ 10⁻¹⁸, ये आंसर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6.25×10⁻¹⁸। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हमने किया, और इसमें एक क्या हो जाएगा कि अगर मैंने 2 पॉइंट हटा दिए तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे। देखो, अपने बुक में तो यहां तक फॉर्मूला है, अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 6.25×10⁻¹⁰। ठीक है, तो ये एनटीएससी में आया था, हमें याद ये रहता है, लेकिन उसमें ये था क्योंकि जब 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 पावर 8 हो जाएगी, तो कितना हो गया, 6.25×10⁻¹⁰। और यहां यूनिट क्यों नहीं लगाया, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है यूनिट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे, यहां पर भी कूलम, यहां पर भी कूलम, तो कूलम से कूलम कट गया, तो कोई भी यूनिट नहीं आएगी। और ये तो सीधी सी बात है कि नंबर, नंबर की क्या यूनिट होती है, कुछ नहीं, हमें नंबर पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन था।